नमस्कार, श्री क्रिएशंस में आपका स्वागत है। जब जब इस धरती पर बुराई और अधर्म बढ़ता है, तब तक श्री विष्णु भगवान किसी न किसी अवतार में इस धरती पर हमारी रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। ऐसे तो भगवान विष्णु के अनेकों अवतार हैं, किंतु हम इस वीडियो में उनके 10 मुख्य अवतारों के चित्र बनाने जा रहे हैं, जिसे लोगों ने दशा अवतार का नाम दिया है। इस चित्र की शुरुआत हम हमेशा की तरह उसके बॉर्डर से करेंगे। इन 10 चित्रों को बनाने के लिए हमने यहाँ A4 साइज के 5 पेपर लिए हैं। हर एक पेज पर हम भगवान के 2-2 अवतारों के चित्र बनाएंगे। इन चित्रों को बनाते हुए आइए हम इन चित्रों के विषय में संक्षिप्त में कुछ वर्णन भी करते हैं। दशा अवतार में उनका पहला अवतार मत्स्य अवतार कहलाता है। सतयुग में वैवस्वत मनु, जिनसे मनुष्य की उत्पत्ति हुई, वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन की बात है, जब वह नदी तट पर पूजन व तर्पण कर रहे थे, तभी तर्पण करते हुए उनके हाथ में एक बहुत ही प्यारी सी मछली आ गई। उन्होंने उसे फिर से उसी जल में प्रवाहित करना चाहा, किंतु मछली ने उनसे आग्रह किया कि उसे उस जल में ना छोड़ा जाए, वरना उसे बड़ी मछलियां खा जाएंगी। तब राजा उसे अपने कमंडल में रख राजमहल ले आए, किंतु वहां वह मछली बहुत तेजी से बढ़ने लगी। तब राजा को एहसास होने लगा कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। फिर मछली के रूप में श्री हरि ने उसे बताया कि आज से 7 दिन के बाद प्रलय आएगा, जिसमें सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तब आप सप्त ऋषियों, सभी प्रकार के औषधियों, बीजों व प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर एक बड़ी सी नौका में बैठ जाना। फिर लहर तेज होने पर आप अपनी नौका को वासुकी नाग के द्वारा मेरे सिंहों से बांध देना। इस प्रकार से प्रलय काल में भगवान ने मत्स्य रूप में उनकी रक्षा की। इसलिए मत्स्य अवतार में भगवान के इस रूप को मछली के आकार में चित्रित किया गया है। श्री विष्णु का अगला अवतार कुंभ यानी कच्छप अवतार है। सतयुग में देवता व दैत्यों के द्वारा समुद्र मंथन के समय, जब मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, तब वह अपनी भार के कारण डूबने लगा। उस संकट की घड़ी में सभी देवता मिलकर श्री विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगी। तब कमल नयन श्री हरि ने एक विशाल कछुए का रूप धारण किया और अपने उस विशाल और कठोर पीठ पर मंदराचल पर्वत को उठा लिया। श्री हरि के इसी अवतार के कारण समुद्र मंथन संभव हो पाया और देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ। इसलिए कच्छप अवतार में हम भगवान विष्णु के शरीर को कछुए की तरह बनाते हैं।
पुरातन समय में कश्यप मुनि और दिति के पुत्र हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया, तब भगवान ब्रह्मा के नाक से विष्णु भगवान ने वराह के रूप में जन्म लिया। भगवान का वह रूप बहुत ही भयंकर था। वराह के रूप में अपने सूंघने की शक्ति से भगवान ने पृथ्वी का पता लगा लिया और अपने दांत पर रखकर उसे जल से बाहर लेकर आए तथा हिरण्याक्ष जैसे भयानक दैत्य का वध भी किया। अब हम नरसिंह भगवान का चित्र बनाने जा रहे हैं। हिरण्याक्ष का जुड़वा भाई हिरण्यकश्यप था। अपने भाई को खो देने के बाद हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की उपासना की। उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी द्वारा उसे वरदान प्राप्त हुआ। उसका वरदान यह था कि वह न तो दिन में मरेगा, ना ही रात में, ना ही किसी अस्त्र से, ना ही किसी शस्त्र से, ना ही जानवर से, ना ही पक्षी से, ना तो घर में, ना ही बाहर। देवता व दैत्य उसे नहीं मार सकते, पृथ्वी व आकाश में उसे नहीं मारा जा सकता, युद्ध में कोई उसका सामना नहीं कर सकता है। इस प्रकार का वर प्राप्त कर वह अपने आप को अमर समझने लगा और सभी को सताने लगा। उसका कथन था कि वह ईश्वर समान है और उसकी पूजा की जाए, किंतु उसके स्वयं का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और वह उन्हीं की पूजा करता था जो उसे नदारद थी। इसलिए उसने स्वयं के पुत्र को मरवाने की कोशिश की। उसकी सारी कोशिशें बेकार रहीं। अंततः उसने स्वयं ही उसका वध करने का सोचा। तब भगवान ने नरसिंह अवतार लिया और एक खंभे से प्रकट हुए। उस समय संध्या बेला थी। वह उसे घसीटते हुए दरवाजे के चौखट पर ले आए और अपने जांघों पर रखकर उसे अपने नाखूनों द्वारा मार डाला। इस अवतार में भगवान के शरीर का अर्ध भाग सिंह का और अर्ध भाग नर का था। प्रहलाद के पुत्र दैत्यराज बलि ने धरती समेत स्वर्गलोक पर भी अधिकार कर लिया था। यह देख सभी देवता भगवान विष्णु के पास उनसे मदद मांगने के लिए पहुँचे। तब उनकी मदद के लिए भगवान हरि देव माता अदिति के गर्भ से बौने वामन के रूप में अवतरित हुए। राजा बलि अपने अश्वमेध यज्ञ के समय जब वामन को देखते हैं तो उनसे दान मांगने को कहते हैं। तब वामन देव उनसे मात्र 3 पग धरती की मांग करते हैं। फिर वामन देव विशाल रूप धर अपने पहले और दूसरे पग में क्रमशः भूलोक व स्वर्गलोक नाप लेते हैं और जब तीसरा पग रखने को कोई स्थान नहीं बचता है तब राजा बलि अपने सिर को उनके सामने कर देते हैं। इस प्रकार श्रीहरि ने राजा के दान और वीरता को देखकर सुतल लोक का स्वामी बना दिया और देवताओं को स्वर्गलोक सौंप दिया। भगवान का छठा अवतार परशुराम कहलाता है। एक समय क्षत्रिय राजा सत्ता के मद में चूर हो धर्म विहीन हो गए और प्रजा पर अत्याचार करने लगे। तब उन लोगों को धर्म के मार्ग पर लाने के लिए भगवान विष्णु ने परशुराम का अवतार लिया। त्रेता युग एवं द्वापर युग के संधि काल में महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र के रूप में वह धरती पर अवतरित हुए थे। भगवान शिव से उन्हें परशु प्राप्त हुआ था और उसे धारण करने के कारण उनका नाम परशुराम पड़ा।
वे बाल्यावस्था में ही सभी वेदों के ज्ञाता हो गए थे एवं धनुर्विद्या में निपुण थे। उन्होंने इस अवतार में कई पापियों का नाश किया, इसलिए हम भगवान के इस अवतार का चित्रण करते समय उनके एक हाथ में परशु व दूसरे हाथ में धनुष को दिखाते हैं। भगवान का सातवां अवतार श्री राम के नाम से जाना जाता है। त्रेता युग में राक्षसों का बहुत प्रकोप था। उस समय भगवान ने माता कौशल्या के गर्भ से दशरथ पुत्र के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में उन्होंने अनेकों राक्षसों का वध किया व मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन यापन करते रहे, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से भी जाना जाता है। इस जन्म में पिता के कहने पर वह वनवास जाते हैं, जहां रावण उनकी पत्नी को हर ले जाता है और उनकी खोज में प्रभु लंका पहुंच जाते हैं, जहां वह रावण जैसे पापी राक्षस का नाश करते हैं। श्री हरि का आठवां अवतार कृष्ण अवतार कहलाता है। द्वापर युग में कृष्ण जन्म लेकर उन्होंने अधर्मियों का नाश किया था। उनकी माता का नाम देवकी और पिता का नाम वासुदेव था। अपने इस रूप में भगवान ने अनेकों चमत्कार किए और दुष्टों का नाश किया, कंस जैसे राक्षस का वध भी किया। महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और तब उन्होंने हमें गीता का ज्ञान दिया। सभी अधर्मियों का अंत कर युधिष्ठिर को राजा बनाकर उन्होंने धर्म की पुनः स्थापना की। भगवान कृष्ण बहुत ही मधुर बांसुरी बजाया करते थे, अतः हम उनके चित्र बनाते समय उनके हाथों में बांसुरी को दर्शाते हैं। मोरपंख और गायें उन्हें बहुत ही प्रिय थी, इसलिए अधिकांशतः उनके चित्रों में मोर एवं गाय बनाया जाता है। प्रभु का नौवां अवतार बुद्ध अवतार के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध हैं। पुराणों के अनुसार इनका जन्म भारत में ही गया के समीप हुआ था। गौतम बुद्ध बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे। उनके अंदर वैसी मनमोहक कला थी जिससे वह किसी का भी मन परिवर्तित कर देते थे। एक समय दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई, देवता भी उनके भय से भागने लगे। तब भगवान बुद्ध ने इस धरती पर अवतार लेकर उनको अपने ज्ञान भरे शब्दों के प्रभाव से छिन्न भिन्न कर दिया और देवताओं को उन दैत्यों से निजात दिलाया। ऐसा मानना है कि वटवृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ध्यान लगाते थे, इसलिए उनके पीछे हमने इस चित्र में वटवृक्ष बनाया है। प्रभु हरि का दसवां और अंतिम अवतार कल्कि अवतार के नाम से जाना जाता है। कलयुग के अंत और सदयुग के संधि काल में भगवान कल्कि का जन्म होगा। भगवान कल्कि धर्म की स्थापना के लिए 64 कलाओं से युक्त होकर देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर आएंगे। अब हमारे दशावतार के चित्र बनकर तैयार हैं। आगे के नेक्स्ट पार्ट में हम इन चित्रों में रंग भरेंगे। दशावतार के वीडियो के नेक्स्ट पार्ट का लिंक आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं।
यह वीडियो आप सभी आप कैसा लगा कमेंट कमेंट बॉक्स अवश्य लिखें और ऐसे ही इंफॉर्मेशन रोचक चित्रों को बनाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।